हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी हो। आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हमसे सबसे कॉमनली एक चीज पूछी जाती है एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट कि डॉक्टर साहब, ये कैंसर होता क्यों है। कैंसर जो होता है वो हमारी जो शरीर है वो लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ है, जिनको हम हिंदी में कोशिकाएं भी कहते हैं। हमारी बॉडी बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड होती है और उसके अंदर सब सेल्स अपना काम करते हैं। अगर हमारा कोई सेल अबनॉर्मल हो जाए और वो अबनॉर्मली मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाए और बॉडी के चेक पॉइंट से कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो वो एक गांठ का या ट्यूमर का रूप ले सकता है। और अगर ये वहां से, जहां उसका मूलभूत घर है, वहां से कहीं और जाने की क्षमता हासिल कर ले, तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। सबसे पहला एनवायरनमेंट। 20 साल पहले कैंसर की जो आप सुनते थे, बहुत कम सुनते थे, लेकिन अब आज की डेट में हमारे एनवायरनमेंट में इतना परिवर्तन हुआ है, जिसमें मुख्य कारण है पॉल्यूशन, स्मोक्स, टोबैको, अल्कोहल, हमारा एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, आपका फर्टिलाइजर यूज एंड मोर यूज ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स इन आवर लाइफ। सो उनसे होता क्या है कि वी आर बीइंग इंक्रीजिंगली एक्सपोज्ड टू सर्टन केमिकल्स विच कैन ओवर लॉन्ग टर्म्स लीड टू कैंसर फॉर्मेशन एंड द सेल्स स्टार्टिंग टू फंक्शन अबनॉर्मली। इसके अलावा जो इंक्रीजिंग एज है, 1921 में एवरेज एज जो होती थी 21 या 23 साल होती थी, तो जो लोग उस उम्र को पार कर जाते थे या इन्फेक्शन डिजीज को कंट्रोल को पार कर जाते थे, वो लोग काफी अच्छे, स्ट्रांग, हेल्दी और जेनेटिकली स्ट्रांग लोग होते थे। लेकिन आज की डेट में बाकी सब चीजें कंट्रोल हो गई हैं, तो ज्यादातर लोग आज की डेट में 60-70 ईयर्स आराम से जी पा रहे हैं। तो उस स्टेज पे उनकी बॉडी की रिपेयर करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हमने ये भी देखा है कि मोर देन 60-70% ऑफ कैंसर जो होते हैं वो 60 साल की उम्र के बाद होते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है, कुछ भी कारण नहीं होते हैं, उन लोगों में ये बाय चांस होता है, क्योंकि इतने सारे सेल्स हैं, वो बाय चांस भी उनमें म्यूटेशन हो सकता है। और ये ऐसा जो चांस होता है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड इंसिडेंस। तो जो कैंसर का इंसिडेंस आज से 200 साल 500 साल पहले था, वो एक बैकग्राउंड इंसिडेंस था, लेकिन नए परिवेश में, नए एनवायरमेंट में, विद ऑल दीज मैन मेड फैक्टर्स कमिंग इनटू इन्फ्लुएंस एंड लीडिंग टू द मार्केट इंक्रीज इन द कैंसर इंसिडेंस हैज लेड दिस डिजीज टू बिकम एन एपिडेमिक। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हेल्थी हो।